सावन का महीना शुरू हो गया है और इसी के साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़े हैं। ये जत्थे, जिन्हें हम कावड़ियों के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लग जाते हैं। पिछले दो दशकों से कावड़ यात्रा की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई है और अब समाज का उच्च व शिक्षित वर्ग भी कावड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कावड़ यात्रा का इतिहास और सबसे पहला कावड़िया कौन था? तो चलिए जानते हैं। विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर भारत के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का कावड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। भगवान परशुराम ने इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़ मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पूरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़ मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रज घाट है। अन्य विद्वानों का मानना है सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के उन क्षेत्रों में थे जहां उनके अंधे माता पिता ने अपने मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार लाए थे और उन्हें गंगा स्नान करवाया था। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी लेके गए थे। इसे ही कावड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है, परंतु कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार भगवान राम भी पहले कावड़िया माने जाते हैं। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था, परंतु पुराणों के अनुसार कावड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से भी जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण ही भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वे नीलकंठ कहलाए थे, परंतु विष के नकारात्मक प्रभाव ने शिव को घेर लिया था। शिव को विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कावड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महादेव शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया। इससे शिव जी विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हुए और यहीं से कावड़ यात्रा की परंपरा मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभाव को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिव जी पर गंगा जी से जल लाकर अर्पित करने लगे और यहां से भी श्रावण मास में कावड़ यात्रा का आरंभ माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि कावड़ यात्रा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। कावड़ यात्रा करते समय कई तरह के नियमों का ध्यान भी रखा जाता है। इन नियमों का पालन करते हुए ही कावड़ यात्रा पूरी करनी होती है। बता दें कि कावड़ यात्रा देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सहज तरीका है। भगवान शिव के भक्त बांस की लकड़ी पर दोनों टिकी हुई टोकरियों के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं और टोकरियों में गंगा जल भरकर लौट आते हैं। कावड़ को अपने कंधों पर रखकर लगातार यात्रा करते हैं और अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कष्ट नहीं होता, साथ ही घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती और अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा, मांस मदिरा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा पूरी तरह पैदल की जाती है। यात्रा प्रारंभ होने से लेकर पूर्ण होने तक सफर पैदल ही किया जाता है। यात्रा में वाहन का उपयोग नहीं किया जाता। कावड़ में गंगा या किसी पवित्र नदी का ही जल रखा जाता है, किसी कुएं या तालाब का नहीं। कावड़ को हमेशा स्नान करने के बाद ही स्पर्श करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा के समय कोई चमड़ा स्पर्श ना हो। कावड़ियों को हमेशा जत्थे के साथ ही रहना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान ध्यान देना चाहिए कि अगर आप कहीं रुके हैं तो कावड़ को भूमि या किसी चबूतरे पर ना रखें। कावड़ को हमेशा स्टैंड या डाली पर ही लटका कर रखें। अगर गलती से जमीन पर कावड़ को रख दिया जाता है तो फिर से कावड़ में पवित्र जल भरना होता है। कावड़ यात्रा करते समय पूरे रास्ते बम बम भोले या जय जय शिव शंकर का उच्चारण करते रहना होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना होता है कि कावड़ को किसी के ऊपर से नहीं लेके जाना होता। कावड़ मुख्यतः चार प्रकार की होती है और हर कावड़ के नियम और महत्व अलग अलग होते हैं। सामान्य कावड़, डाक कावड़, खड़ी कावड़, दाढ़ी कावड़। जो शिव भक्त जिस प्रकार की कावड़ लेके जाता है और उसी हिसाब से उसकी तैयारी भी की जाती है। इसमें सामान्य कावड़ में शिव भक्त आराम कर सकते हैं। कावड़ियों के लिए ज्यादातर जगहों पर पंडाल लगे होते हैं, वहां अपनी कावड़ रखकर आराम कर सकते हैं। डाक कावड़ यात्रा के दौरान डाक कावड़िए बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। जहां से गंगा जल भरा हो और जहां जलाभिषेक करना हो वहां तक आपको लगातार चलते रहना होता है। मंदिरों में डाक कावड़ियों को लेकर अलग से इंतजाम भी किए जाते हैं ताकि जब कोई डाक कावड़िया आए तब वह बिना रुके शिवलिंग पर पहुँच सके। खड़ी कावड़, खड़ी कावड़ के दौरान कावड़ी की मदद के लिए कोई न कोई होता है। जब वह आराम करते हैं तब उसका सहयोगी अपने कंधों पर कावड़ को लेकर चलते हैं। फिर आती है दाढ़ी कावड़। दाढ़ी कावड़ सबसे मुश्किल होती है और इस यात्रा को करने में कम से कम एक महीने का समय लगता है। दाढ़ी कावड़ के कावड़िए गंगा तट से लेकर शिवधाम तक दड़ौंती देते हुए परिक्रमा करते हैं। यह लेट लेट कर यात्रा को पूरा करते हैं।